हेलो एवरीवन, नमस्ते। तोमर एंड पवी ट्रेवल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम तोमर और मेरे साथ है पवी चौधरी। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए ब्लॉग की। अभी हम ठहरे हुए हैं थामिल में, आप सभी को बताया भी हमने पहले ब्लॉग में, और आज हम यहीं से वीडियो की शुरुआत करेंगे और हम आपको दिखाएंगे आज थामिल यानी कि नेपाल की ग्राउंड लेवल लाइफ स्टाइल। उसमें आपको दिखाएंगे हम यहाँ की मार्केट, यहाँ के जो लोकल एरियाज में मंदिर हैं, गलियाँ हैं और यहाँ के रेस्टोरेंट। और थामिल एक ऐसी जगह है काठमांडू में जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, सबसे बड़ी मार्केट भी यहीं पे है, जो बाहर कंट्री से सभी लोग आते हैं वो ऑलमोस्ट सभी यहीं पे ठहरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी चलते हैं हम मार्केट की तरफ। अभी हम होटल से बाहर निकले और आपको दिखाते हैं यहाँ की मार्केट, बाजार वाजार सब कुछ। सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोकल में वाइन शॉप एज ए यूजुअल मिलती है। मतलब यहाँ पे इतना किराना की शॉप भी नहीं मिलती जितना आपको हर दूसरे कदम पे यहाँ वाइन शॉप मिलेगी। मतलब आपको हर दुकान पे यहाँ पर ना बियर वगैरह सब मिल जाएगी। हाँ, कहीं पे भी इजीली, बहुत ही इजीली आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस कितना डिफरेंस है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। नेपाल में काठमांडू की सबसे फेमस मार्केट में, या सबसे फेमस मार्केट है काठमांडू थामिल बोलते हैं जिसमें, यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई कपड़ा, मतलब आपको कोई मूर्ति वगैरह लेनी हो, यहाँ पे क्लबिंग पब वगैरह सब है। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वही मिलेगा। जो भी चाहिए। अभी हमने कैश विड्रॉल किया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया से या कहीं और से आ रहे हैं तो आप कौन कौन से कार्ड यूज़ कर सकते हैं। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और मैस्ट्रो कार्ड, यूनीपे। आप कौन से कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, आज आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा रुपीज़, जो रुपए वाला कार्ड है वो आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ना SBI की ब्रांच भी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ स्टेट बैंक यहाँ भी अवेलेबल है, उसके ATM भी है बहुत सारे। अभी हम यहाँ मनी एक्सचेंज पे पहुँच गए। आप ये देखिए, अगर आप वर्ल्ड वाइड का जो प्राइस लिस्ट है अकॉर्डिंग टू नेपाली रुपीज़ वो कितना चल रहा है। यहाँ चाइनीज़ है, एक चाइनीज़ 17.85 रुपये का चल रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और मैंने आपको अभी मनी एक्सचेंज का दिखाया, वहाँ पे इंडिया की प्राइस लिस्ट नहीं थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का 1 रुपया यहाँ के 1.60 रुपये में चलता है। ठीक है, अगर आप इंडिया के 1,000 रुपये लेके आते हैं तो वो यहाँ 1,600 रुपये हो जाते हैं। और हाँ, जैसे थामिल का एरिया है, यहाँ पे आप इंडियन करेंसी भी यूज़ कर सकते हैं रेस्टोरेंट में, या कपड़ा खरीदते हुए या कुछ भी आप स्टफ खरीदते हैं तो उसमें आप इंडियन करेंसी यूज़ कर सकते हैं, वो मल्टीपल करके आपको चेंज करके देते हैं। हर कोई एक्सेप्ट करता है यहाँ पे ना इंडियन करेंसी, कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि आप नेपाली करेंसी दो, किसी शॉप पे जाओ कुछ भी खरीदो और इंडियन रुपीस पे करो तो सब लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है पैसे वाली ऐसी, इंडियन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम जैसे थामिल एरिया से गुजर रहे थे, पवी हट रहा है एक साइड, ये देखिए एक खंबे पे हमें तारों का जंजाल मिला। वाओ, और इस खंबे पे लगभग इतने तारे कि अगर हमारे ऊपर रख दिए तो हम दब जाएंगे इतना। मतलब मकड़ियां भी शर्मा जाए इतने तारों को देख के, कैसे कैसे किक कर लेते हो आपसे ये सब। यार इन नेपालियों से पूछना पड़ेगा, ओके सॉरी, कि कैसे कर लेते हो आप ये सब, भयंकर। चलिए ये भी नया था, अभी आगे बढ़ते हैं। सो
जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ हर गली में आपको एक स्तूप या मंदिर मिल जाएगा, ये देखिए मेरे सामने, मतलब हर गली हर नुक्कड़ पे आपको एक स्तूप महात्मा बुद्ध का मिलेगा, उसके ही सामने वाइन शॉप भी है। यही थामिल से निकलते हुए हमें, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, स्वयंभूनाथ मंदिर, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक मंदिर मिला, सेम आकृति है, बिल्कुल स्वयंभूनाथ मंदिर के जैसे दर्शाया गया है। यहाँ भी ये भी बहुत सुंदर है। सारे कबूतर हैं, नाच डालते हैं, तो पवि भाई ने नाच ले लिया है। तो लैंग्वेज की बात करते हैं, सो यहाँ पे इनकी खुद की एक भाषा है नेवारी, ठीक है, नेवारी लैंग्वेज ये बोलते हैं। वैसे हिंदी यहाँ कंपलसरी है, जो यहाँ गवर्नमेंटेड वर्क होता है उसमें भी हिंदी ही यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ 50% लोग इंग्लिश समझ सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे आंटी बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते, मुझे आपसे पूछना था कि ये जो बने हुए हैं हर नुक्कड़ पे हर गली पे, इनका मतलब क्या होता है? हाँ जी हाँ जी, बंगेमुड़ा, इसको बंगेमुड़ा, नारंदन जी। तो ये यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं ये सभी एक ही भगवान के हैं? नारायण मंदिर, नारायण मंदिर जो पीछे मंदिर थे आगे हैं, ये सभी एक ही भगवान के हैं? वो ये अलग है, वो अलग है। सो यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वो अलग अलग भगवान के हैं, मतलब कोई नारायण का है, कोई शिव का है, कोई गणेश का है। तो इनमें जो मूर्ति है, मतलब मूर्ति पूजन ही है, ठीक है। सो थैंक यू, नमस्ते। काठमांडू के अंदर जो थामिल मार्केट है उसमें सबसे ज़्यादा है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट आपको ऑल वर्ल्ड के जितने भी रेस्टोरेंट है, जापानीज, चाइनीज, अमेरिकन, यूरोपियन, जितने भी रेस्टोरेंट वो सब मिलेंगे। इंडियन तो हर दूसरे रेस्टोरेंट पे आपको खाना मिलता है, लेकिन अभी हम एक वाइन शॉप में आए हैं
और मेरे ब्रदर का नाम क्या है? ब्रदर आपका नाम क्या है? अली शुबेरी, हरी शुबेरी। सो ब्रदर का नाम है हरी शुबेरी। सो ब्रदर आप यही नेपाल से ही है? सो यहाँ पे जो ट्यूबर की कैन है उसका क्या प्राइस है? ट्यूबर 260 नेपाली रुपीस। और बोतल का है? 370। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमने इस वीडियो में आपको पूरी नेपाली ग्राउंड लाइफ दिखाई है कि कैसे नेपाल में आप ट्रैवल कर सकते हैं और कहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। सो वीडियो एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत टाइम लगा है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ओके, और वीडियो का बेस्ट पार्ट बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।